देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार, लेकिन ईद से पहले जोधपुर में रात में हुआ बवाल। भगवा झंडा हटाकर नया झंडा लगाने और लाउडस्पीकर लगाने पर हुआ टकराव। जोधपुर में जलौरी गेट की घटना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। रिजर्व पुलिस को किया गया तैनात, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जोधपुर में धारा 144 लागू होने के बावजूद सुबह फिर जुटे उपद्रवी, सुरक्षा बलों पर किया पथराव। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जोधपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हुआ पथराव, सुरक्षाकर्मियों पर हुआ हमला। जहां मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज, बड़ी तादाद में जुटे रोजेदार। दिल्ली में ईद की खरीदारी की रही धूम, बाजारों में कल देर रात तक रही रौनक। गुलाम नबी आजाद और शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास मस्जिद में पढ़ी ईद की नमाज। आगरा में ईद से पहले उतारे गए लाउडस्पीकर, कम कराई गई सैकड़ों लाउडस्पीकर की आवाज। कोलकाता के रेड रोड पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, रोजेदारों को दी ईद की मुबारकबाद। आज देश भर में ईद और अक्षय तृतीया साथ साथ सुरक्षा इंतजाम सख्त। एमपी के खरगोन में आज ईद पर रहेगा कर्फ्यू, कुछ दिन पहले हुई थी हिंसा। खरगोन में घरों में अदा की जाएगी ईद की नमाज, अक्षय तृतीया पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं। यूपी झारखंड और एमपी में अलर्ट, यूपी के गोंडा में ईद के मद्देनजर सतर्कता, डीएम और एसपी ने की गश्त। पीएम मोदी ने बर्लिन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित, लोगों में दिखा जोश। पीएम के संबोधन में भारत में आ रहे विकास का किया जिक्र, कई योजनाओं के बारे में बताया। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा कौन सा पंजा एक रुपए में से 85 पैसे घिस लेता था। वो कौन सा पंजा था, जो 85 पैसा घिस लेता था। यूरोपीय दौरे पर जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जताई चिंता, बोले नाजुक स्थिति में है दुनिया, में होनी चाहिए शांति और स्थिरता। और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंग की वजह से तेल की कीमतों में आए उछाल पर जताई चिंता, बोले युद्ध से हर किसी का होगा नुकसान। भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर अहम समझौता, हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई दूसरे मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ जारी किया साझा बयान, बोले भारत और जर्मनी के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी। बर्लिन में जर्मनी और भारत का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे मौजूद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ गुफ्तगू करते दिखाई दिए प्रधानमंत्री, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर है पीएम, जर्मनी से की शुरुआत, बर्लिन में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बर्लिन प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, भारतीय मूल के लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। आज पीएम पहुंचेंगे डेनमार्क, डैनिश पीएम से होगी द्विपक्षीय वार्ता, इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। देश भर में बिजली की मांग में इजाफा, कई राज्यों में संकट। यूपी में कोयले का संकट गहराया, राज्य बाहर से खरीद रहा है 1600 मेगावाट बिजली। सीएम योगी आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, उत्तराखंड के सीएम धामी से करेंगे स्वागत। पौड़ी में अपने गुरु की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे योगी, रैली को करेंगे संबोधित, अपने पैतृक गांव जाएंगे। हरिद्वार में संतों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे योगी, कई अन्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। आज गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर, कर्नाटक कैबिनेट में परिवर्तन पर चर्चा। कर्नाटक दौरे से पहले शाह ने दिल्ली में ली कर्नाटक नेताओं की बैठक, कर्नाटक में खेलो इंडिया गेम्स के समापन में भी शिरकत करेंगे शाह। गुजरात में कांग्रेस को झटका, आज विधायक अश्विन कोतवाल थामेंगे बीजेपी का हाथ। बीजेपी के कोरोना के हजार से सॉरी दिल्ली में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले, संक्रमण दर 6% के पार। दिल्ली में एक्टिव केसेस की तादाद 6000 के करीब, 178 मरीज अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में रिटायर्ड फौजी ने साले को मारी गोली, बच्चों और पत्नी को बनाया बंधक। फौजी का ससुराल वालों से चल रहा था विवाद, बच्चों को बार बार गोली मारने की दे रहा था धमकी। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बाइक स्कूटी की टक्कर के बाद महिला के साथ बदसलूकी, बुरी तरह पीटने के बाद मोबाइल छीना।
रामनगर में झोपड़ियों में लगी आग, लाखों का सामान खाक। सीतामढ़ी में युवक की पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सादा निशाना, कहा मोदी के 8 साल के कार्यकाल से समझा जा सकता है कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह किया जा रहा है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने नहीं दी राहुल गांधी के दौरे की इजाजत, कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नरम पड़ते दिखे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के तेवर, रद्द किया आरती का कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ताओं को दी जानकारी, लिखा ईद को देखते हुए लिया फैसला। 4 मई को अपनी अगली योजना का ऐलान करेंगे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, तब तक कार्यकर्ताओं से की शांति की अपील। राज ठाकरे की धमकी को लेकर सियासत तेज, आज तक से खास बातचीत में बोले वैसी, उद्धव पर पुलिस करे कार्रवाई। ये सब 295 है और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, जेल में सड़ने दीजिए, 5-6 दिन उनको बेल लेने दीजिए तो दिमाग हल्का हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। पांच मई को अयोध्या दौरे पर जा सकते हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, मुंबई में लगाए गए पोस्टर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना, कभी भी नहीं बन सकते बाल ठाकरे। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति को नहीं मिली राहत, जमानत को लेकर 4 मई को फैसला सुनाएगी मुंबई की सेशन कोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में जांच तेज, क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद नई पार्टी बनाने के मूड में प्रशांत किशोर, ट्वीट कर दिए संकेत, बिहार से हो सकती है शुरुआत। 2 दिन के गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे प्रशांत किशोर, 5 मई को मीडिया से करेंगे बात। दिनेश मेवाणी ने असम सरकार पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप, कहा मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, झुकूंगा नहीं। देश बिजली संकट को लेकर गृहमंत्री के घर पर बड़ी बैठक, ऊर्जा कोयला रेल मंत्री रहे मौजूद, सप्लाई तेज करने पर चर्चा। देश के कई हिस्सों में बिजली की किल्लत में लोगों को किया बेहाल, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 5% की बढ़ोतरी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा सिद्धू पर हो अनुशासनात्मक कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का ग्रैंड वेलकम, सोलन में स्वागत में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस नेता अलका लांबा, पंजाब के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, चुनावी हिंसा को लेकर 1 साल पूरे होने पर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटियाला हिंसा को लेकर जारी है सियासत, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में निकाला कैंडल मार्च। अमृतसर में आपकी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बिजली कटौती से लेकर रेहड़ी पर मोमबत्तियों और हाथ वाले पंखे बांटे। भोपाल पीने के पानी की किल्लत को लेकर कोहराम, शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। हैदराबाद में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को इजाजत नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी। यूपी के चंदौली में पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप, गैंगस्टर की तलाश के दौरान एक लड़की निशा यादव की मौत। निशा की मौत खबर फैलते ही गांव वालों ने किया हंगामा, एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़, 2 पुलिसकर्मी घायल। अखिलेश यादव ने चंदौली की घटना पर पुलिस को घेरा, जातिगत कार्रवाई का लगाया आरोप। बिहार में जल्द शुरू होंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज, सूबे के डिप्टी सीएम तारा किशोर प्रसाद ने समस्तीपुर के एक कार्यक्रम में किया ऐलान। गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी, यूपी के मुजफ्फरनगर से तस्कर शमीम को 210 किलो के हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। गुजरात ATS के ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल रही शामिल, बरामद ड्रग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1200 करोड़ से पार। सूरत में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, केस दर्ज। रजौरी के रिहायशी इलाके में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बाड़मेर में खेत में करंट लगने से किसान की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया। दिल्ली में सड़क पर आपसी झगड़े के बाद युवती को मारी गई टक्कर, आरोपी कार चालक फरार। धौलपुर में पाउडर से नकली मावा और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, भारी मात्रा में मावा और केक जब्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अचानक बदला मौसम, जबरदस्त बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, शुरू में सड़क पर पापड़ सेकते दिखाई दिए दुकानदार। विदर्भ में सितम ढा रही है सूरज की तपेश, अकोला वर्धा चंद्रपुर में 46 के पार पहुंचा पारा। जम्मू में तेज गर्मी, जनजीवन पर असर। इंडिया गेट के निकट बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दिल्ली के स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन, अमर शहीदों को संगीत के जरिए दी श्रद्धांजलि। आज पर जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है धाम। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह, फुल हुए रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दिलाया भरोसा नहीं होगी कोई दिक्कत।
केदारनाथ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली, मंदिर उखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए पारंपरिक रवानगी। 5 मई केदारनाथ पहुंचेंगे बाबा केदार की डोली। 6 मई को सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। हरिद्वार के दक्षिणकाली मंदिर की खास मान्यता, बड़ी तादाद में आते हैं भक्त।